अमृतसर के रणजीत एवन्यू इलाके थाना रणजीत एवन्यू की पुलिस वालों एक रेस्टोरेंट द ब्लाइंड पुलिस वालों देर रात रेड की गई जिथे बार विच हुक्का बार भी चल रहा है शराब भी सप्लाई की जा रही थी। सब तो वड्डी गल है कि मुंबई वांग इत्थे अमृतसर भी इस बार विच अर्ध नंगन हो के लड़कियों वालों डांस किया जा रहा है तो लोग हुक्का पी रहे सन। पुलिस अधिकारी अमनदीप कौर ने दसिया कि असी मुखबीर की सूचना के आधार पर उत्थे रेड की इत्थे बिना लसेंस तो लोगों शराब सप्लाई की जा रही थी अते लोगों हुक्का भी पिलाया जा रहा है। इस मौके अमनदीप कौर पुलिस अधिकारी ने होर जानकारी दिंदिया पत्रकारों नाल गलबात करदिया की कुछ कहा, देखो अमृतसर तो खास रिपोर्ट। मानजोग कमिश्नर साहब दीयां हदायतां दे मुताबिक अमृतसर दे विच जिहड़ियां ने रणजीत एवेन्यू दे विच पब्लिक प्लेस ते दारू ते बारां दे विच चलाए जिहड़े हुक्के चलाउंदे ने हुक्का बार ते जिहड़े ने सख्ती दे नाल कारवाई करदिया जिहड़ी है कल बीते दिन ही सानूं इक इनफॉर्मेशन रिसीव हुई कि द ब्लाइंड टाइगर दे विच जिहड़ी है शरेआम जिहड़ा हुक्का चलाया जा रहा जिहदे मुताबिक कार्रवाई करदिया जिहड़ी है साडी पुलिस पार्टी ने मौके ते रेड की जिथे जिहड़े हुक्के जिहड़े ने बरामद किए गए ते उहदे जिहड़े ब्लाइंड टाइगर का मालक नितेश उबे के खिलाफ द सिगरट एंड तंबाकू एक्ट के अधीन जिहड़ी है कार्रवाई की गई ते एफ आई आर रजिस्टर की गई। कि जो रेड की गई तो अजिही कोई गल जी है उसे जो लड़कियां जड़िया ने कोई जड़िया ने बरामद नहीं हुई हैं इनकेस जो इन भविख के कोई अजिही गल सामने आती है तो उन्होंने बनती कार्रवाई जी है की जाएगी। रणजीत एवेन्यू के पेंदे सारे बार तो रेस्टोरेंट के मालकों को हदायत करती हैं तो अपील करती हैं कि जिन जिहड़े हुक्का चलाना है ये गैर कानूनी है तो ये जो किसी भी बार के जो हुक्का ना चलाया जाए अदरवाइज जो इन्हों बख्शिया नहीं जाएगा इन्हों के खिलाफ सख्त तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी तो इन्हों के लाइसेंस कैंसल कर ली डीसी साहब को जो संबंधित महकमे लिख के भेजा जाएगा।